आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर बिजनौर से, नजीबाबाद में एक लुटेरी दुल्हन का कारनामा सामने आया है। लुटेरी दुल्हन ने अपने साथियों के साथ अपने नए पति व परिजनों को नशीला पदार्थ सुंघाकर घर में रखी नकदी व सोने चांदी के जेवरात लूटकर रफू चक्कर हो गई। नींद से जाके दूल्हे ने जब दुल्हन को देखा तो घर में रखा सारा सामान दुल्हन लेकर फरार हो चुकी थी। फिर पीड़ित ने नजीबाबाद पहुंचकर पूरे गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें आज पुलिस ने हासिल करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। उत्तराखंड की नगरी कोटद्वार के गांव दुगट्टा की रहने वाली ज्योति उर्फ पूजा ने दुर्गा विहार कॉलोनी नजीबाबाद में किराए का मकान लेकर एक गिरोह तैयार किया। गिरोह की सरगना ज्योति उर्फ पूजा ने राजस्थान के जिला चुरू निवासी मनोज को अपने चंगुल में फंसाया। मनोज से 2 लाख रुपए ठग लिए और ज्योति उर्फ पूजा ने फर्जी शादी करा थी। ससुराल पहुंची ज्योति उर्फ पूजा ने रात होते ही खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और घर में रखे सोने और चांदी के आभूषण व नकदी लूट कर फरार हो गई। तभी से नजीबाबाद पुलिस इस गिरोह को पकड़ने के लिए आसपास के राज्यों की खाक छान रही थी, जिसमें आज नजीबाबाद बस स्टैंड से पूरे गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है और गिरोह में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। पहले भी चर्चा में रह चुका है लुटेरी दुल्हनों का कारोबार। फिलहाल पुलिस आसपास के जनपदों में इनका रिकॉर्ड खंगाल रही है और गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। थाना सिद्ध जनपद चुरू राजस्थान के रहने वाले मनोज कुमार ने एक अभियोग पंजीकृत कराया थाना नजीबाबाद पर, जिसमें यह बताया कि एक राजेंद्र नाम के व्यक्ति जो कि नजीबाबाद का रहने वाला है, उससे 2 लाख रूपये लेकर एक महिला से शादी कराया। शादी के उपरांत वह दुल्हन जब घर गई चुरू राजस्थान, तो उसने खाने में नशीला पदार्थ डाल के सभी को बेहोशी की हालत में छोड़कर घर से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगढ़ की जब तलाश की गई तो 3 अभियुक्त आज बस अड्डे पर कहीं और जाने की तैयारी में थे मिले, जिनके पास से लगभग 36,000 रुपया और जो फरार थी वहां से लुटेरी दुल्हन, उसके पास से सभी जेवरात जो वहां से लेके आई थी बरामद हुआ है। एक अन्य अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।